Hello friends, welcome to NTC English channel. This is Poonam Bhardwaj and friends, today I'm going to teach you past indefinite passive voice. Its formula hai was verb plus third form of the verb. Maine patr likha. I wrote a letter. Friends, it's an active voice. Ab iska passive voice hoga. Mere dwara patr likha gaya. A letter was written by me. So friends, chaliye zyada samay na lete hue lesson shuru karte hain. तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं. पास्ट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस, इसका फॉर्मूला है वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, उससे पहले हम लेसन से पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे पैसिव वॉइस के. पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट प्लेस पर ले आते हैं. ठीक है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर, और वर्ब किस में चेंज हो जाती है, थर्ड फॉर्म में. इसमें चेंज हो जाती है वर्ब थर्ड फॉर्म में, किसमें, पैसिव वॉइस में. ये रूल लगता है, वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, वी ब्रिंग सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी चेंज द वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म. ठीक है, वर्ब को किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में. यहाँ पर हमने प्रोनाउन टेबल दी है. यहाँ पे फुल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और हाफ प्रोनाउन है. फुल प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, हाफ प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही होते हैं. ठीक है, जब हम फुल प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेकर जाते हैं तो फुल प्रोनाउन किस में चेंज हो जाता है, हाफ प्रोनाउन में, और जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लेके आते हैं तो हाफ प्रोनाउन किस में चेंज हो जाता है, फुल प्रोनाउन में. तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करते हैं. तो ये सेंटेंस हमें दिया, एक्टिव वॉइस दिया गया है यहाँ पर, ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट एनटीसी, उसने मुझे एनटीसी के बारे में सूचना दी. तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करने से पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे. तो यहाँ पर ही है हमारा सब्जेक्ट, इन्फॉर्म्ड वर्ब और मी हमारा ऑब्जेक्ट है. अब पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लेके आएंगे, और मी यहाँ पर हमारा हाफ प्रोनाउन हो किसमें चेंज हो जाएगा, फुल प्रोनाउन में, यानी कि मी चेंज इनटू आई. तो आई, अब रूल हमें फॉर्मूला दिया है वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आई के साथ क्या आएगा, वाज, आई वाज, और यहाँ पर इन्फॉर्म्ड हमारी वर्ब है तो थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, इन्फॉर्म्ड ही होती है. ठीक है, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, तो यहाँ पर आएगा इन्फॉर्म्ड, यानी कि इन्फॉर्म की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही क्या है, इन्फॉर्म्ड. तो ही वाज इन्फॉर्म्ड, सॉरी आई वाज इन्फॉर्म्ड. ठीक है, आई वाज इन्फॉर्म्ड बाय, अब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आएंगे तो फुल प्रोनाउन किसमें चेंज हो जाएगा, हाफ प्रोनाउन में, यानी कि ही चेंज इन टू him, by him. अब यहाँ पर क्या है, about NTC, यानी कि subject, verb और object को highlight करने के बाद जो कुछ भी यहाँ पर लिखा होगा हम as it is उसे उतार देंगे. तो about NTC, I was informed by him about NTC. NTC के बारे में उसके द्वारा मुझे सूचना दी गई. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है हमें यहाँ पर एक्टिव वॉइस, दे डिडंट सी यू यस्टरडे. ठीक है, उन्होंने तुम्हें कल नहीं देखा. ठीक है, अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, बट उससे पहले हम फिर से वही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दे, सी है वर्ब और यू हमारा ऑब्जेक्ट है. तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आते हैं तो हाफ प्रोनाउन किस में चेंज हो जाता है, फुल प्रोनाउन में. तो यहाँ पर हाफ प्रोनाउन भी हमारा यू है और फुल प्रोनाउन भी यू. तो यहाँ पर क्या आएगा, यू. अब यू के साथ, अब हम फॉर्मूला में जाएंगे, यू के साथ क्या आएगा, वर, यू वर. लेकिन जो हम आपको यहाँ पर एक्टिव वॉइस दिया वो क्या है, नेगेटिव में है,
तो वर्ब प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट आ जाएगा तो वरेंट लिखा जाएगा, यू वरेंट। अब हम क्या आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हमारी वर्ब दी गई है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी है सी यानी कि देखना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी सीन, यू वरेंट सीन बाय। अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर लाएंगे तो फुल प्रोनाउन किसमें चेंज हो जाएगा, हाफ प्रोनाउन में, यानी कि यहाँ पे हमारा फुल प्रोनाउन क्या है दे, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, हाफ प्रोनाउन में देम, तो बाय देम। तो ये हमने चेंज कर लिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर ले आए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर ले आए, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस पर जाता है तो फुल प्रोनाउन किसमें चेंज हो जाता है, हाफ प्रोनाउन में, दैट मींस दे चेंज इनटू देम। और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लेस पर आता है तो हाफ प्रोनाउन किसमें चेंज हो जाता है, फुल प्रोनाउन में, और यहाँ पर यू यू ही रहा क्योंकि यू का फुल प्रोनाउन और हाफ प्रोनाउन दोनों ही क्या होते हैं, यू। और यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है किसमें चेंज हो गई, वर्ब के थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव वर्ब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और उसके बाद जो कुछ भी यहाँ लिखा हो, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कुछ भी लिखा हो हम एज इट इज सेम उतार देंगे, यानी कि यस्टरडे। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर थ्री, डिड यू फॉरगिव हिम, क्या तुमने उसे क्षमा कर दिया। अब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, बट उससे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू, वर्ब फॉरगिव और ऑब्जेक्ट है हमारा हिम। तो जैसा कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में समझाया गया है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आते हैं तो क्या होता है, हाफ प्रोनाउन किसमें चेंज हो जाएगा, फुल प्रोनाउन में, यानी कि हिम चेंज इनटू ही। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमारा पैसिव वर्ब का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है, वाज, ही वाज। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, यहाँ से हमने वाज को ले लिया है तो कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे, थर्ड फॉर्म। तो फॉरगिव की थर्ड फॉर्म क्या है, फॉरगिवन बाय। अब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आएंगे तो फुल प्रोनाउन किसमें चेंज हो जाएगा, हाफ प्रोनाउन में, और फ्रेंड्स यू का हाफ प्रोनाउन भी क्या होता है, यू, तो बाय यू। लेकिन ये क्या है, एक प्रश्न है, और ये प्रश्न किससे बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, ये प्रश्न किससे बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर भी पैसिव वर्ब में भी हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देंगे, तो वॉज He, was he forgiven by you? ठीक है? तो क्या उसके, क्या तुम्हारे द्वारा उसे क्षमा किया गया? अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर फोर, who taught you? तुम्हें किसने पढ़ाया? अब यहाँ पर पैसिव वर्ब में चेंज करने से पहले हम फिर से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे। तो किसने काम किया, तो काम किसी ने किया है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसने तुम्हें पढ़ाया, तो काम कौन करा, किसने, कौन, नहीं पता हमें, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब है टॉट और किसे पढ़ाया है, यू को, तो ये दैट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिस पर काम हो रहा है पढ़ाने का। अब हम किस में चेंज करेंगे इसे, पैसिव वॉइस में, तो सेम वही ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट प्लेस पर। तो यहाँ पर जो फुल प्रोनाउन है किसमें चेंज हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे, हाफ प्रोनाउन, तो जो ये हाफ प्रोनाउन है ये किसमें चेंज हो जाएगा, फुल प्रोनाउन में, और यू का फुल प्रोनाउन भी क्या होता है फ्रेंड, यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू। अब वह फॉर्मूला में जाएंगे तो यहाँ से हम क्या लेंगे, वर, तो यू के साथ क्या आता है, वर, तो यू वर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू वर टॉट यानी कि टीच की फर्स्ट फॉर्म, टीच की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टीच, पढ़ाना, टू टीच मतलब पढ़ाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, सेकंड फॉर्म टॉट और थर्ड फॉर्म टॉट। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म टॉट, यू वर टॉट बाय। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, हु, तो जब हु ऑब्जेक्ट प्लेस पर जाएगा तो एक इसमें चेंज हो जाएगा, हुम में, तो बाय हुम। लेकिन ये प्रश्न है और ये प्रश्न किससे बन रहा है, WH फैमिली से, और फ्रेंड्स WH फैमिली हमेशा कहाँ होती है, बाहर होती है, लास्ट में कभी WH फैमिली नहीं होती, जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो WH फैमिली हमेशा बाहर। तो ये बाय हुम पूरा
का पूरा हम कहाँ ले आएंगे, बाहर ले आएंगे, तो बाय होम, किसके द्वारा। अब जब डब्ल्यू एच फैमिली बाहर है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब भी कहाँ आएगी, बाहर, दैट मीन्स वर। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाएगी, वर, यू, ठीक है। तो बाय होम वर यू टॉट, ठीक है, किसके द्वारा तुम्हें पढ़ाया गया। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 5, व्हेन डिड द पार्लियामेंट पास द बिल, ठीक है। तो फ्रेंड्स आजकल फार्मर प्रोटेस्ट की बात चली रही है न्यूज पे, हर न्यूज पे यही बात छाई हुई है, तो इसलिए मैंने आपका आपके लिए ये सेंटेंस लिखा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि बिल पास होने से पहले तो बिल रहता है, लेकिन पास होने के बाद वो क्या बन जाता है, कानून यानी कि लॉ बन जाता है। तो चलिए हम आते हैं आज की क्लास पर पास्ट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस पर। तो हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि उससे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पार्लियामेंट, ठीक है। पास करने का काम कौन करेगी, पार्लियामेंट, जो काम करेगा वो हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, पास, और ऑब्जेक्ट क्या है, बिल, द बिल, ठीक है। तो चलिए अब पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर ले आते हैं। तो द बिल, लेकिन ये क्या है, एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द बिल। अब बिल की बात हो रही है तो उसके लिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज, लेकिन क्या है, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किससे बना है, व्हेन डिड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या से बने, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से बने या फिर किसी भी डब्ल्यू एच फैमिली से। हम एक काम करते हैं, क्या यहाँ पर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। फ्रेंड्स मैं बार बार फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी आगे जो आपके लेसन आएंगे उसमें दो हेल्पिंग वर्ब भी होगी, तो इसीलिए मैं फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ पहली हेल्पिंग वर्ब होगी वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। जैसे अब आपका नेक्स्ट जो आएगा लेसन कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस, तो उसमें दो हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, वॉज बींग और वर बींग। तो जब भी हमारा क्या से या फिर किसी भी डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चन बनते हैं तो हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, और जो डब्ल्यू एच फैमिली होती है वो उससे भी आगे। तो व्हेन वॉज द बिल, अब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो पास्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ड। तो व्हेन वाज द बिल पास्ड बाय, अब सब्जेक्ट को हम कहां ले आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस पर, तो द पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसके अंदर व्हेन वाज द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के द्वारा बिल कब पास किया गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 6, द पुलिस अरेस्टेड सम फार्मर्स। अभी जो 26 जनवरी के आसपास जो घटना घटी थी उसके बाद पुलिस ने क्या किया, कुछ फार्मर्स को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे। तो काम किसने किया था अरेस्ट करने का, पुलिस ने, दैट मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या काम हुआ था, अरेस्ट करने का काम हुआ था, दैट मीन्स ये वर्ब है, कोई काम मतलब वर्ब। और सम फार्मर्स, जिसे अरेस्ट किया वो हमारे ऑब्जेक्ट है, जिन्हें अरेस्ट किया गया। तो अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर ले आएंगे। तो सम फार्मर्स, अब मैं एक फार्मर की बात नहीं कर रही हूँ, वो सम फार्मर्स, कुछ फार्मर्स, तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वर, सम फार्मर्स वर अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म क्या है, अरेस्टेड। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, अरेस्ट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही क्या होती है, सेम होती है, अरेस्ट फर्स्ट फॉर्म, अरेस्टेड सेकंड फॉर्म, और अरेस्टेड थर्ड फॉर्म। तो सम फार्मर्स वर अरेस्टेड बाय, अब हम सब्जेक्ट को कहां ले आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस पे, बाय द पुलिस। मैं थोड़ा सा यहां रब कर दूंगी, बाय द पुलिस। अब देखिए, अब इसकी हिंदी, सम फार्मर्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया। तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप उसे बाद में देख सकें अच्छे से स्क्रीन पर। और
फ्रेंड्स मुझे बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में ये भी पूछ सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आया या फिर ये पॉइंट कैसे हुआ, तो मैं हर तरीके के सवाल का जवाब आपको दूंगी। आपको जहाँ भी कंफ्यूजन हो वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और भी लाती रहूंगी, और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए बाय बाय। एंटी सी इंग्लिश बुक आप भारत के किसी भी कोने से फ्लिपकार्ट के माध्यम से एंटी सी की बुक ऑनलाइन मंगवा सकते हैं।